हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नई शानदार वीडियो में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं NISCL असिस्टेंट कंपनी के बारे में, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। वीडियो को पूरी देखिएगा लास्ट तक ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सरकारी एजेंट पर सर्च कर लेना है NISCL असिस्टेंट सरकारी एजेंट, या फिर मैं आपको इसका वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से क्लिक करके इस वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। तो आप यहां पर कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेंगे। 1/2/2024 से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं और 15/2/2024 तक इसकी लास्ट डेट है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, इस क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन खुल के आ जाती है। यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे, फर्स्ट नेम, फिर आपको मिडिल नेम डालना है। अगर मिडिल नेम है तो डालिएगा, नहीं है तो इसको ब्लैंक के छोड़ देंगे। फिर आपको लास्ट नेम डालना है, कंफर्म करना है। फिर आप यहाँ पर दिखाई देगा आपको फुल नेम। फिर यहाँ पर डालना है आपको मोबाइल नंबर अपना। फिर आपको मोबाइल नंबर कन्फर्म करना है। फिर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना है आपको, अगर है तो डालिएगा, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर ईमेल डालनी है अपनी, ऐट द रेट से पहले आपकी जो भी ईमेल है वो डालनी है। फिर यहाँ पर आपको डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, आपका जो भी डोमिसाइल है। फिर यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन में आपको अपनी पूरी ईमेल डालनी है। फिर आपको ये कैप्चा कोड डालना है, जो भी कैप्चा कोड दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं सेवन नेक्स्ट पर, फिर देखिएगा यहाँ पर मांग रहा है आर यू श्योर द डाटा इंटर्ड, क्या आपका सभी डाटा ठीक है। तो आप यहाँ पर ओके कर देंगे। जैसे ओके करते हैं देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी जानकारी खुलकर आ जाती है। बेसिक जानकारी आपकी कंप्लीट हो गई है। फिर यहाँ पर मांग रहा है आपका फ़ोटो सिग्नेचर, यहाँ पर आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर पहले आपको ये गाइडलाइन दी हुई है फॉर स्नैगिंग फ़ोटो सिग्नेचर की, आपको कितने केबी में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोटो सिग्नेचर आपको कितने केबी में कैसे अपलोड करना है। नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, देखिए ये देख रहे हैं ना फ़ोटो सिग्नेचर। फ़ोटो में 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर तक साइज होना चाहिए इसका, और केबी में कितना होना चाहिए, 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए फ़ोटो। फिर यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर मांग रहा है आपको आपका जो बिटवीन फ़ोटो सिग्नेचर जो है वो आपका 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए, और लेफ़्ट थम इम्प्रेशन 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए, एंड डिक्लेरेशन भी 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। जो हैंड डिक्लेरेशन है वो भी आपका 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे ऐसे ही करेंगे। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है सिग्नेचर। फ़ोटो आपका 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए, सिग्नेचर जो है वो आपका 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए, JPG फाइल में होना चाहिए दोनों चीज़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, इससे कंफर्म कर देना है। फिर आपको चूज फाइल सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, चूज फाइल पे। फिर देखते हैं सिग्नेचर भी अपलोड हो जाता है। फिर कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ देखें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बतानी है अपनी बेसिक डिटेल्स। यहाँ पर आपको पूछना है वैकेंसी ऑफ स्टेट फॉर अप्लाई, आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अपना स्टेट चूज कर लेंगे, जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर पूछ रहा है डू यू हैव नॉलेज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज, क्या आपको जिस स्टेट जो स्टेट आपने चूज किया उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आती है। तो इससे यहाँ पर आपको यस या नो में बता देना है, आपको यस कर देना है। इस पर क्लिक कर देंगे, हिंदी वाले पे क्लिक कर लेंगे, जो आपका जो भी आ रहा हो। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कैटागरी, आप किस कैटागरी से आते हैं, अपनी कैटागरी चूज कर लेंगे जिस भी कैटागरी से आप आते हैं। फिर यहाँ पर पूछ रहा है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% एंड अबव, क्या आप बेंचमार्क हैं, यस या नो में बता देंगे आप हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो यस करेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट करवाएगा किस प्रकार के हैं आप, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे जिस भी प्रकार के हैं। फिर यहाँ पर आपको नेचर ऑफ डिसेबिलिटी बतानी है, किस नेचर के हैं आप। फिर आपको यहाँ पर बतानी है आर यू सफरिंग फ्रॉम सेवरल पैल्सी एंड योर राइटिंग स्पीड परमानेंटली अफेक्टेड, यहाँ पर आपको यस या नो में बता देना है जो भी है।
फिर आपको ये बता देना वेदर यू डोमिनेंट राइटिंग यस या नो में बता देना है आपका जो भी है। फिर आपको बताना है डू यू इंटेंड यूज द रिजर्व सर्विस एक्सक्राइब, आपको यस या नो में बता देना है आपका जो भी है। अगर आप ये नहीं है, अगर आप इसमें आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अबोव इस, अगर आप ये नहीं है तो नो कर देंगे तो आपको यहाँ पर ये सब कुछ हट जाएगा। फिर आपको यहाँ पर पहुँचा है आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड, आप यहाँ पर यस या नो में बता देंगे आर डब्ल्यू हैं या नहीं है वो बता देंगे आप यहाँ पर अपना। फिर यहाँ पर पहुँच रहा है आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विंडोज डिकवर्ड डाइवोर्स्ड वुमेंस वुमेंस जुडिशली स्प्रेडिड रिमैरिड हैं या नहीं है, यहाँ पर यस या नो में आपको बता देना है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है आपको आर यू एक्सिस्टिंग एम्प्लॉइज ऑफ द न्यू इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्या आप इस कंपनी में काम कर चुके हैं, तो यहाँ पर यस या नो में बता देंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है सैलरी नंबर, कुछ भी यहाँ पर नहीं मांगेगा। फिर यहाँ पर पूछ रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, यस या नो में बता देंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है आर यू डिसएबिलिटी सर्विसमैन, यस या नो में बता देंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है आपको आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन डिसेग्रीड, आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड, क्या आप मारे गए सेना के आश्रित हैं, यहाँ पर यस या नो में बता देंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है रीजनल टू विच यू बिलोंग, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, उसको चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पर बता रहा है यू आर डू यू बिलोंग टू रिलीजियस मॉनेटरी कम्युनिटी, क्या आप इस धर्म के आश्रित हैं, यस या नो में बता देंगे इंडियन। फिर यहाँ पर यस या नो में बता देंगे इंडियन चूज कर लेंगे। फिर नीचे फिर यहाँ पर पूछ रहा है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट, आपका टीयर वन का सेंटर आप कहाँ देना चाहते हैं और फिर टीयर टू का सेंटर आपको देना है, आप जहाँ भी देना चाहते हैं उसको आप चूज कर लेंगे टीयर वन। फिर आपको टीयर टू वाले पेपर का चूज कर लेंगे जहाँ भी आप देना चाहते हैं पेपर अपना टीयर टू का। फिर यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है डे है मंथ है, फिर आपको ईयर सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पर पूछ रहा है जेंडर, जेंडर आपको बता देना है मेल है कि फीमेल है बता देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर पूछ रहा है डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, यस या नो में बता देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, इसको बता देंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है आपका फादर्स नेम मदर्स नेम और स्पोर्ट्स नेम नहीं मांग रहा है यहाँ पर। फिर आपको एड्रेस डाल देना है लाइन वन में, लाइन टू में, लाइन थ्री में। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, फिर आपको स्टेट चूज करना है, आप किस स्टेट से आते हैं वो चूज कर लेंगे। फिर आपको पिन कोड डालना है आपका जो भी पिन कोड है। फिर यहाँ पर मांग रहा है सेम एज एड्रेस कॉम्पोडेंस, क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है, अगर सेम है तो चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, अगर अलग अलग है तो चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करेंगे और यहाँ पर अलग अलग फिल कर देंगे। ये सब कुछ फिल करने के बाद फिर यहाँ पर पहुँच रहा है आपको लास्ट में चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइस, इस पर आपको क्लिक कर देना है सेलेक्ट पर। फिर आपको बता देना है आप किस एड्रेस पर जीएसटी देना चाहते हैं, परमानेंट या कॉरस्पोंडेंस एड्रेस, तो यहाँ पर आप चूज कर लेंगे अपने हिसाब से। फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई योर डिटेल्स पर क्लिक करना है, ये देखिए सक्सेसफुल हो गया है वेरीफाई। यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करने का फ़ायदा ये है, अगर आपका कोई पॉइंट छूट जाता है तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा, अगर सब कुछ भर गया है तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको डिग्री की इंफॉर्मेशन देनी है, यहाँ पर ग्रेजुएशन देख लेंगे, सिलेक्ट पर ग्रेजुएशन पर सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर देख लेंगे आप किससे ग्रेजुएशन किए हुए हैं, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे आपने जिससे भी की है ग्रेजुएशन। फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे डे मंथ ईयर, आपने किस डे में पास किया, किस मंथ में और किस ईयर में, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मार्कशीट में नीचे दिया हुआ होता है, देख लेंगे उसमें। फिर यहाँ पर आपको मार्क्स बता देने हैं, आपको कितने मार्क्स मिले हैं ग्रेजुएशन में, वो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। फिर आपको ग्रेड चूज कर लेना है आपका कितना ग्रेड है,
सिलेक्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अपना जो भी ग्रेड है वो चूज कर लेंगे। फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन देना है, अगर है तो दे दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना होगा हैव यू पास्ड इन इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट्स SSC HSC इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन लेवल, क्या आपने इंग्लिश पढ़ी है इंटरमीडिएट में हाई स्कूल में, तो आपको यहाँ पर यस ही करना होगा, यहाँ पर यस कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर बता देना है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं है, उसकी यहाँ पर जानकारी आपको देनी है। यहाँ पर पूछ रहा है प्रेजेंट में क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं है, तो वो यहाँ पर बताना है आपको, हैं तो यस करेंगे और यहाँ पर अपनी जानकारी देंगे, नहीं है तो सीधे नो कर देंगे, या फिर आप यहाँ पर ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं अगर नहीं है तो। अब यहाँ पर अदर डिटेल में पूछ रहा है कि क्या आप ऑनलाइन परीक्षा प्रशिक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यहाँ SC ST OBC PW, तो यहाँ पर यस या नो में बता देंगे आप। फिर यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, आपको जो भी लैंग्वेज आती है आपके स्टेट के हिसाब से, जैसे मैंने हिंदी सिलेक्ट कर ली। फिर यहाँ पर आपको टिक में बता देना है कि आपको पढ़नी आती है, आपको लिखनी आती है, बोलनी आती है, यहाँ पर टिक कर लेंगे ऐसे। फिर आपको मल्टीपल लैंग्वेज चूज कर लेनी है जो भी आपको आती है, जैसे अब मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली तो इसको मैं बता दूंगा ऐसे पढ़नी लिखनी आती है मुझे, बोलनी आती है, तो ऐसी वैसे एक लैंग्वेज आपको मैंडेटरी है। फिर आपको सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन छोड़ गया है, वन मोर दिखा रहा है, तो ये फ़ायदा होता है वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करने का। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन छूटा है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एरर दिखा रहा है ग्रेजुएशन में, यहाँ पर बोल रहा है परसेंटेज जो है आपकी उसमें आपके दशमलव के बाद दो अंक होने चाहिए, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, तो यहाँ पर देखिए एरर दिखा दिया। ये फ़ायदा होता है वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करने का। चलिए हम यहाँ पर दो अंक कर देंगे दशमलव के बाद, मैंने कर दिया है दो अंक। चलिए अब फिर से नीचे देखते हैं, वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करते हैं, ये देखिए अब सक्सेसफुल हो गया है, ओके कर देना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, ये देखिए सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पर आपको ये पेज प्रीव्यू दिखा रहा है, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी LTDT रिक्रूटमेंट ऑफ 300 असिस्टेंट, यहाँ पर आपको पेज प्रीव्यू दिखाएगा, जो भी आपने जानकारी दी हुई है सारी कुछ दिखाएगा, यहाँ पर देखेंगे सब कुछ। फिर यहाँ आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंज ऑफ डाटा ऑलरेडी इंटर्ड विल बी परमिटेड, या आप डाटा चेंज करना चाहते हैं या नहीं, करना चाहते हैं तो कैंसिल करेंगे और बैक पे जाएंगे और अपना बदल लेंगे, आपने जो भी अगर गलती की है कुछ भी, अगर नहीं करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे कंप्लीट पर, ओके कर देंगे। फिर पूछ रहा है आर यू श्योर टू कंटिन्यू, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, ओके कर देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको थंब इम्प्रेस करना है लेफ्ट थंब और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको क्लिक करना है, वो आपको लगाना है हैंड डिक्लेरेशन JPG फाइल में लगाना होगा आपको, तो फाइल बटन पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिएगा आपका थंब अपलोड होने के बाद यहाँ पर ओके कर देंगे, आपका थंब यहाँ पर अपलोड हो गया है। अब आपको हैंड डिक्लेरेशन आपको इम्प्रेस करना है, हैंड डिक्लेरेशन क्या है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देखिएगा ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर अपना नाम लिखना है और ये पूरा आपको नीचे रिक्वायर्ड तक लिख देना है अपनी राइटिंग में, और इसको भी आप अपलोड करेंगे। फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ देख रहे हैं ना ऐसा आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा। फिर ओके कर देना है, फिर यहाँ पर आपको कैप्चा कोड भरना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आप नेम वगैरह कुछ चेंज करना चाहते हैं, चल यहाँ पर ओके कर देंगे, अगर चेंज करना चाहते हैं तो कैंसिल कर देंगे वरना ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपको फ़ीस काटनी होगी, कैप्चा कोड डालेंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे।
जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर बोल रहा है डू यू वांट टू सबमिट, क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे पर लेकर आ जाएगा, आप किस प्रकार से पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर कार्ड नंबर दे रहा है, मंथ यहाँ पर सब कुछ देना है। नीचे आएंगे और ऑप्शन दे रहे हैं, साइड में आपको और माध्यम भी मिल जाते हैं, इधर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वैलेट, क्यूआर कोड, यूपीआई, आप जिससे भी करना चाहते हैं उसको क्लिक कर लेंगे और अपना पेमेंट करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप पेमेंट की प्रिंट निकाल कर रख लेंगे कहीं ज़रूरत पड़े आपको तो। पेमेंट हो गया है, पेमेंट करने के बाद होम पेज पर आएंगे और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद, कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। अब देख रहे हैं यहाँ पर आपका पेज का प्रिंट आता है, यहाँ पर आप पेज का प्रिंट कर लेंगे अपना एप्लीकेशन का। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये प्रिंट एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमने सीखा आपको फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है, पेमेंट कैसे करना है, सारी जानकारी आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप दी है। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा दोस्तों में अपने, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही जानकारी पाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।